नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजूत्रा। आर्थिक तंगी से परेशान पिता ने अपने 11 महीने के बेटे को नर्मदा नहर में फेंक कर मार डाला। आरोपी ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। कोई काम नहीं होने के कारण घर खर्च नहीं चला पा रहा था। ऐसे में उसने बच्चे को मारने का प्लान बनाया और बच्चे को दादा दादी के पास छोड़ने के बहाने पत्नी और बच्चे को लेकर राजस्थान आ गया। मामला जलौर के संचोरा का है। यहाँ पुलिस ने बताया कि गुजरात के रहने वाले मुकेश को 11 महीने के बेटे के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मुकेश ने अपनी पत्नी को लव मैरिज के कारण घर वालों से नाराज होने की बात कही थी और अकेले जाकर बच्चे को छोड़कर आने के लिए कहा था। उसने पत्नी को वहीं पर रोक दिया और 200 मीटर दूर जाकर बेटे को नहर में फेंक दिया। वापस आकर उसने पत्नी को बताया कि बच्चे को घर से बाहर छोड़कर आया हूं, घर वालों को फोन करके बता दूंगा। मुकेश ने पुलिस को बताया कि करीब 2 साल पहले बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी लड़की से लव मैरिज की थी। इसके बाद से ही वह अपनी पत्नी के साथ अहमदाबाद में रह रहा था और वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। करीब 7 महीने पहले नौकरी छूटने के बाद उसने कुछ समय तक भीख भी मांगी। इसके बाद आर्थिक तंगी से परेशान होकर उसने पूरे परिवार के साथ कांकरिया तालाब में कूद कर सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह लोगों की आवाजाही ज्यादा होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। फिलहाल आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस ने शुक्रवार शाम करीब 5 बजे सिद्धेश्वर से 20 किलोमीटर दूर तेतरोल में नहर से बच्चे का शव बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के बाद नगर पालिका के सहयोग से अंतिम संस्कार करवाया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।